नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर G9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टास्क बार को। जब भी आप अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ऑन करते हो, डेस्कटॉप पे सबसे नीचे जो बॉर्डर दिखता है उसी बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार पे जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, उस सारे ऑप्शन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मैं हूँ मिलन, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेस्कटॉप क्या है और टास्क बार क्या है। ये जो हमारे सामने स्क्रीन है इसको बोला जाता है डेस्कटॉप, वहीं टास्क बार जो आपके सामने नीचे जो आपको बॉर्डर करके दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार में जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, ये सारे ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है टूल बार। टूल बार में जो हमारा पहला ऑप्शन आता है वो हमारा एड्रेस। एड्रेस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से नीचे दिखेगा, ये आपका एड्रेस बॉक्स करके आ चुका है। इस बॉक्स में आपको टाइप करना होगा, यहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के लिए आपको टाइप कर देना है, जैसे यहाँ पे मुझे इमेजेस सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इमेजेस। कर इमेजेस सर्च किया तो हमारे सिस्टम में इमेजेस 9 करके फोल्डर बना हुआ है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें अगर इमेजेस होगा तो आपको यहाँ से इमेजेस दिखाएगा। एड्रेस का हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है हमारा लिंक। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक करके ऑप्शन दिखेगा। ये लिंक आपको क्या करता है, यहाँ देखिए, ये आपका लिंक इस डिवाइस या सॉफ्टवेयर से आप काम करना चाह रहे हो। फिर से टूल बार में जाते हैं और यहाँ से लिंक को अनमार्क करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने टास्क बार पे ये डेस्कटॉप ऑप्शन आएगा। जैसे ही डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जो कि आपका लेफ्ट साइड में सारा ऑप्शन है। सेम ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से भी सेम उसी तरह से खोल सकते हो, ठीक है। किसी भी ऑप्शन फोल्डर में, कोई भी इमेजेस में जाना है, आप यहाँ से क्लिक करके खोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा सर्च करके है। यहाँ आपको दिख रहा होगा शो सर्च आइकन करके, इसमें मार्क लगा हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सर्चिंग है आपका जो है यहाँ पे है। इसी को हम लोग हाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सर्चिंग करके जो था सैम्पल वो आपका हट चुका है। नेक्स्ट फिर से राइट क्लिक करते हैं और देख लेते हैं न्यूज़ एंड इंटरेस्ट। अगर आपको न्यूज़ में इंटरेस्ट है या कोई गेम में या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे एस न्यूज़ करके देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक अपना प्रोवाइड करता है, जैसे यहाँ पे शो आइकन एंड टेक्स्ट करके लिखा हुआ है, इस पर हम लोग का मार्क लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आपका सिस्टम नेट से कनेक्ट होना चाहिए तो ही आपको ये दिखेगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका न्यूज़ और आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको वेदर का भी दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइट क्लिक करते हैं और आपको दिखेगा शो कोटेना बटन। ये कोटेना बटन क्या होता है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक सर्कल करके दिखेगा, ये आपका है कोटेना। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आपको कोटेना का काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शो टास्क व्यू बटन। इसमें मार्क जब लगाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो है ना टास्क, आपका ये टास्क व्यू हो रहा है, आपका जो भी टास्क यहाँ पे खुला हुआ है वो टास्क आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सो पीपल ऑन टास्क बार। इस पर जैसे ही मार्क लगाओगे तो आपको यहाँ से सिंबल दिखेगा पीपल करके, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे टास्क बार पे पीपल से कनेक्ट करके रखना है, कॉन्टैक्ट करके रखना है, पिनअप करके रखना है तो आप यहाँ से करके रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सो विंडोज़ इंक वर्क स्पेस बटन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ये देखिए ऑप्शन, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ चुका है, यहाँ देखिए वाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन करके, ठीक है। यहाँ से आपका ये ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सो टच कीबोर्ड बटन। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड दिखेगा, ठीक है। ये कीबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका इंटरनल कीबोर्ड आ चुका है। एक्सटर्नल कीबोर्ड तो आप लोग के पास होगा ही, कीबोर्ड में आपका कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आप यहाँ पे इंटरनल कीबोर्ड का यूज़ करके अपना काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थ्री ऑप्शन जो है आपको ये दिखेगा डिसेबल करके है, एबल करना है तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई भी फाइल या फोल्डर खोल लीजिए आप लोग। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक इमेजेस का खोल लेता हूँ। खोलने के बाद अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ टास्क बार पे राइट क्लिक, ये आपका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपका शो कर रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे सबसे पहला है आपका कैस्केड विंडोज़। कैस्केड विंडोज़ क्या होता है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो दिखेगा, ये विंडो आपका क्या हो चुका है, ये सेंटर पर आ चुका है, ठीक है। ये आपका जो फोल्डर जो खुला हुआ था इसको आप इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सो विंडोज़ स्टैक करके है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा, ये आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में ऊपर में जाके ये थोड़ा सा दिखा रहा है। नेक्स्ट सो विंडोज़ साइड बाय साइड, इसको हम लोग पहले सेंटर में कर लेते हैं तब यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सो विंडोज़ साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये विंडोज़ जो है साइड हो चुका है।
फिर से हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन शो द डेस्कटॉप। यहाँ पे शो द डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो ये आपका क्या हो रहा है, डेस्कटॉप आपको शो हो रहा है क्लियर। नेक्स्ट है आपका टास्क मैनेजर, आपको टास्क मैनेज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टास्क मैनेजर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आपका टास्क मैनेजर खुल चुका है, किस तरह से आपका ये प्रोसेस हो रहा है सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट है आपका लॉक द टास्क बार, पर ये हमारा लॉक नहीं है, ठीक है। अभी आपको दिखेगा कि ये मार्क रहेगा तो लॉक रहेगा, मार्क नहीं रहेगा तो लॉक नहीं रहेगा। लेफ़्ट क्लिक करके हम लोग इसको कहीं पे भी ले आ सकते हैं, जैसे ये टास्क बार को हम लोग ऊपर भी ले आ सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये टास्क बार क्या हो चुका है, ऊपर जा चुका है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और साथ ही इसका आप जो है साइज को भी इंक्रीज कर सकते हो। ये देखो आप, जब ये टास्क बार आपका लॉक नहीं रहेगा तो आप इसमें ये सब चेंजेस कर सकते हो। तो राइट क्लिक करेंगे आप यहाँ से इसको लॉक द टास्क बार करेंगे तो आप इसको आप कितना भी कोशिश कर लो ये आपका मूव नहीं होने वाला है, ये फिक्स रहेगा। नेक्स्ट है आपका टास्क बार सेटिंग, टास्क बार सेटिंग में जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपके सामने यहाँ पे टास्क बार का सेटिंग आ चुका है। इस सेटिंग में आप टास्क बार से रिलेटेड सेटिंग आप कर सकते हो, यहाँ आपको टास्क बार से रिलेटेड सारे सेटिंग दिखेगा। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड कर सकते हो, या यूज़ स्मॉल टास्क बार बटन, इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में हमने देखा टास्क बार पे जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, इस ऑप्शन को हम लोगों ने आज उसके बारे में जाना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू।